हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद गंगा वाइब्स में। और इसमें बन रही है बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है फ्रेंड्स। तो इसको घर पे कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये रेसिपी झटपट बना के रेडी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिया है 2 फ्रेश नारियल, जो कि ताजा नारियल है। इसका पानी निकाल के एक तरफ रख लिया। अब इसको तोड़ लेंगे और देखिए यहाँ पे इसको कट कर लेना है। ज्यादा बारीक नहीं कट करना है, मोटा मोटा ही काट लेना है इसको। तो यहाँ पे काट के और एक तरफ रखते जाना है। तो देखिए यहाँ पे सारा नारियल काट लिया है और एक ये थोड़ा सा मोटा रह गया था, तो इसको बीच से ही पतला कर देंगे। बस इसी साइज का हमें सारा चाहिए। तो और देखिए यहाँ पे कट के पूरा रेडी हो गया है। अब चढ़ा दिया है गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। एक चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें नारियल ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। तो सारा नारियल इसमें ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छे से 2 मिनट भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे घी दिख रहा है, यानी ये अच्छे से भून जाएगा इतने घी में। और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है ताकि अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे ये भून के रेडी हो गया है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कलर चेंज होता जाएगा। तो 2 मिनट हो गया है, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, यानी अच्छे से ये भुन गया है। बस हमें इतना ही भुनना है, ज्यादा इसको नहीं भुनना है। अब इसको एक बर्तन में निकालते जाएंगे। इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए ठंडा हो गया, मिक्सी जार में इसको ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पीस के रेडी हो गया है। मैंने 2 बार में इसको पीस लिया है। अब इसको भी निकाल लेंगे। गैस पे चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाला घी। घी भी 2 चम्मच, यानी 1.5 से 2 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद, थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद, इसमें अपना कोकोनट ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा है, और इसको 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि इसमें से जो और भी कच्चापन हो ना वो निकल जाए। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, अगर जो इसको अच्छे से भुनेंगे तब। तो ये 2 मिनट हो गया है भुनते भुनते। देखिए नीचे से कितना अच्छा सा, मतलब इसका खुशबू भी आ रहा है और नीचे से पूरा तेल छोड़ दिया है। यहाँ पे इलायची और ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया है। इलायची को पहले इसलिए ऐड किया ना कि इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे 1.5 से 2 कप मैंने दूध ऐड किया है। 1 कप पहले ऐड किया था, 1 कप ये, और थोड़ा सा दूध मुझे कम लगा तो और ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी भी 4 चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि नारियल और मिल्क पाउडर दोनों मीठा होता है। तो इसमें 4 चम्मच चीनी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए फूड कलर ऐड कर देंगे, चुटकी भर फूड कलर। आप चाहे तो ना करें, बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन हो तो ऐड कर दें, जिससे इसका दिखने में ना लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मिला दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया है,
और टेस्टी सा हलवा बनके नारियल का रेडी हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से। अब ये परोसने के लिए तैयार हो गया है, तो चलिए इसको परोसते हैं। और गर्मा गर्म ये हलवा ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनके रेडी हो गया है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, निकालने में ही, दिखने में ही बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं। और देखिए अब ये खाने के लिए रेडी हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो ये हलवा बहुत ही आसान है बनाना। गाजर का सूजी का हलवा खाते खाते बोर हो गए हैं, तो ये 20 रुपए में नारियल का हलवा जरूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।